डिस्कस करेंगे क्लच वर्किंग के बारे में। जो क्लच होता है वो कैसे काम करता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लच होता क्या है? क्लच जो व्हीकल की पावर है, इंजन की पावर, उसको गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करने का काम करता है क्लच। क्लच इन दोनों के बीच में लगा होता है, इंजन और गियर बॉक्स के। तो क्लच का काम क्या है? पावर को गियर बॉक्स को टाइमली देना, उसको एंगेज करना गियर बॉक्स के साथ इंजन की पावर को, और उसको डिसएंगेज करना जब हमें नहीं चाहिए। तो दोनों काम क्लच करता है। तो क्लच का काम क्या है? इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ एंगेज करना और डिसएंगेज करना, ये क्लच का काम होता है। तो जो आज हम क्लच डिस्कस करेंगे वो है सिंगल प्लेट क्लच। इसके अंदर पहले हम सबसे पहले इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ये है हमारी इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट मतलब ये हमारी इंजन की क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है। यह है इनपुट शाफ्ट। ये इनपुट शाफ्ट के ऊपर होता है फ्लाई व्हील। इससे फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है, इंजन की क्रैंक शाफ्ट से फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है। अगर हम फ्लाई व्हील का व्यू देखें तो ये हमने व्यू बनाया है, फ्लाई व्हील इस तरह का होता है। यह है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है? एक सर्कुलर डिस्क टाइप होता है जिसके ऊपर ये टीथ कटे होते हैं, या स्प्रोकेट आप इनको बोल सकते हैं, या टीथ आप इनको बोल सकते हैं। टीथ इसके ऊपर कटे होते हैं। फ्लाई व्हील के ऊपर ये टीथ क्यों कटे होते हैं? क्योंकि जो फ्लाई व्हील है वो एक पिनियन से कनेक्ट होता है, एक छोटे पिनियन से। उसके ऊपर भी टीथ कटे होते हैं। ये जो पिनियन है, ये पिनियन हमारा कब रोटेट करता है? ये हमारा कनेक्ट होता है, जो हमारी बाइक होती है, जैसे गाड़ी है, जब हम चाबी लगाते हैं तो चाबी के लगाते ही स्टार्ट होती है, तो वो पिनियन, ये पिनियन तब काम करता है जब की को रोटेट किया जाता है की होल के अंदर, तो हमारा ये पिनियन काम करता है। ये पिनियन रोटेट करता है और फ्लाई व्हील भी इसके साथ रोटेट करता है। उसके बाद फ्यूल के ऊपर ये काम करता है, फ्यूल बर्न होता है और ये उससे एनर्जी लेता है। स्टार्टिंग में ये पिनियन से इससे एनर्जी लेता है। तो जब की को हम चलाते हैं, की को रोटेट करते हैं की होल के अंदर, तो ये पिनियन की हेल्प से स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए व्हीकल को हम इसकी हेल्प लेते हैं, जिससे फ्लाई व्हील स्टार्टिंग में रोटेट होता है। और उसके बाद फ्यूल से फ्लाई व्हील एनर्जी लेता है और फ्यूल की एनर्जी का यूज़ करता है। तो ये है फ्लाई व्हील जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं और ये पिनियन के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद है क्लच प्लेट। ये है हमारी क्लच प्लेट। क्लच प्लेट किस तरह की होती है? क्लच प्लेट हमारी इस तरह की होती है। ये है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट ये है हमारी। क्लच प्लेट के अंदर क्या है? क्लच प्लेट भी हमारी एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके ऊपर होती है फ्रिक्शन लाइनिंग। तो क्लच प्लेट के ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग होती है और ये फ्रिक्शन लाइनिंग दोनों तरफ होती हैं। इसके अंदर स्प्रिंग भी लगे होते हैं, एक कवर प्लेट लगी होती है और स्प्रिंग लगे होते हैं। ये स्प्रिंग डैम्पिंग को कवर करने के काम आते हैं जब क्लच प्लेट रोटेट करती है। तो स्प्रिंग का काम क्या है? कि डैम्पिंग को कंपनसेट करना। तो क्लच प्लेट भी हमारी इस तरह की सर्कुलर होती है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। फ्लाई व्हील के ऊपर भी यहाँ पे फ्रिक्शन लाइनिंग होती है और क्लच प्लेट पे भी फ्रिक्शन लाइनिंग होती है। जो फ्लाई व्हील होता है वो इनपुट शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। उसके बाद है, ये है हमारी प्रेशर प्लेट। इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट।
ये जो येलो कलर की है, ये है प्रेशर प्लेट। इसको प्रेशर प्लेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो प्लेट है, ये इस क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर बना के रखती है, जिससे ये क्लच प्लेट इस फ्लाई व्हील के साथ अटैच रहती है, तो एक पूरी असेंबली होती है, तो इसलिए इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। ये जो प्रेशर प्लेट है, ये एक डायफ्राम स्प्रिंग के साथ जुड़ी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग किस तरह का होता है, ये हमने दिखाया है। डायफ्राम स्प्रिंग भी एक सर्कुलर डिस्क होती है, लेकिन ये ऊपर उभरी हुई होती है, ऊपर की तरफ, और इस तरह का ये बना होता है, इस तरह की शेप होती है डायफ्राम स्प्रिंग के अंदर। जब हम इसको यहाँ से पुश करते हैं, बीच से, बिल्कुल यहाँ से इसको पुश करते हैं, तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगी, लेकिन ये कॉर्नर्स जो हैं, ये बाहर आने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, एक मैकेनिज्म ले लेते हैं कि मान लीजिए हम इसका साइड व्यू लेते हैं, इस तरह का है ये डायफ्राम स्प्रिंग जो हमने यहाँ पे ग्रीन लाइन में बनाया है। अगर हम इसको यहाँ से पुश करें, बीच से यहाँ से हम इसको पुश करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से हमने इसको बोल्ट कर रखा है, तो क्या होगा, ये ऊपर उभरा हुआ है, तो जैसे ही ये अंदर की तरफ जाएगा, ये कॉर्नर बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। यही कंसेप्ट है जो हम क्लच के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ये रेड कलर का है, ये रिलीज बियरिंग हम इसको बोलते हैं, रिलीज बियरिंग। ये हमारा कनेक्ट होता है क्लच, जो हमारा पैडल है, उसके साथ। तो इसको जब हम पुश करते हैं, तो पुश करेंगे तो ये जो डायफ्राम स्प्रिंग है, ये हमारा अटैच है प्रेशर प्लेट के साथ। तो जब हम इसको बीच से पुश करेंगे, तो इसके ये दोनों कॉर्नर बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब ये कनेक्ट है प्रेशर प्लेट के साथ, तो ये प्रेशर प्लेट को भी बाहर की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, क्लच प्लेट से प्रेशर रिलीज होगा और ये इससे डिसएंगेज हो जाएगी। और क्या होगा, जो हमारी पावर ट्रांसमिट है इनपुट शाफ्ट से, इस आउटपुट शाफ्ट पे नहीं आएगी। तो जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं, तो हमारा जो क्लच प्लेट है, वो डिसंगेज हो जाती है फ्लाई व्हील से, और जब हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं, तो ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे आता है, और ये दोबारा से प्रेशर प्लेट इसके ऊपर प्रेशर बनाती है और इसको अंगेज कर देती है फ्लाई व्हील के साथ। तो इस तरह से जब ये रोटेट करती है इनपुट शाफ्ट, फ्लाई व्हील और पूरी असेंबलीज के साथ रोटेट करती रहती है, ये कवर प्लेट है, ये भी रोटेट करती रहती है, लेकिन जब हम प्रेस करते हैं जो हमारा पैडल है, क्लच पैडल, तो उसकी हेल्प से डायफ्राम स्प्रिंग एक्शन करता है, प्रेशर प्लेट को पीछे खींचता है, जिससे प्रेशर रिलीज होता है क्लच प्लेट के ऊपर, और वो इससे डिसंगेज हो जाती है। इस तरह से क्लच अंगेज और डिसंगेज होता है फ्लाई व्हील के साथ। तो ये है क्लच के कुछ मेन पार्ट्स और उसकी वर्किंग। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो फ्लाई व्हील है, पिनियन के साथ अटैच होता है, सेल्फ स्टार्टिंग जो व्हीकल होती हैं, जिनका बटन लगाया होता है या की के थ्रू सेल्फ स्टार्ट होती हैं, तो उनके लिए ये पिनियन इससे अटैच होता है, जो इसके ऊपर टीथड व्हील होते हैं। तो इस तरह से पूरा क्लच वर्क करता है, एक पूरी असेंबली होती है ये। तो ये था क्लच की वर्किंग और उसके कुछ मेन पार्ट्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।